नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया, फार्मासिस्ट। आप सभी का पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक इज। तो मोस्टली ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए जीआई ट्रैक की मेन मैकेनिज्म क्या है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, या फिर इसे एक्वस डिफ्यूजन भी कहते हैं। ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। एंड ऑप्शन डी इज पैसिव डिफ्यूजन या लिपिड डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता भी सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैसिव डिफ्यूजन, जिसे हम लिपिड डिफ्यूजन भी कहते हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, इसमें हर एक क्वेश्चन आपकी हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिटेड मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। ऑप्शन ए लिपिड सोल्यूबल, ऑप्शन बी नॉन आयनाइज सब्सटेंस, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कि वाटर से हीट करते हो या वाटर से फोबिया रखते हो, वो सब्सटेंस कहलाएंगे हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म बायोएबिलिटी मीन्स। बायोएबिलिटी का मतलब क्या है, वो वहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप बायोएबिलिटी की डेफिनेशन या उसका मतलब क्या होता है उसको ज़रूर याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैक्शन ऑफ एन अनचैन ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फार्माकोकाइनेटिक्स इज। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ड्रग की स्टडी की जाती है, उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। वहीं बात करें फार्माकोडाइनेमिक की, तो फार्माकोडाइनेमिक के अंदर ड्रग के एक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी की जाती है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द पेरेंट्रल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से आपको पेरेंटल रूट बताना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑप्शन ए रेक्टल, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी सबलिंगुअल या ऑप्शन डी इनहेलेशन। तो पेरेंटल रूट कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेज ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके द्वारा लीवर से बाईपास हो जाए ड्रग या लीवर तक मिनिमम पहुंचे। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है ओरल, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल, ऑप्शन सी रेक्टल एंड ऑप्शन डी इंट्राड्यूडेनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीडी, ये किससे रिलेटेड करता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फार्माकोडाइनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फार्माकोडाइनेमिक होता है उसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, हमने आपको बताया था इसमें ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी की जाती है। यानी कोई ड्रग लिए वो बॉडी में लेने के बाद में क्या क्या एक्शन शो कर रही है, स्टिमुलेशन कर रही है, डिप्रेस कर रही है, क्या कर रही है, उन सब के बारे में। तो ऑप्शन ए दे रखा है बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी दे रखा है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड ऑप्शन डी ड्रग इंट्रैक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ड्रग। तो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एफिनिटी मीन्स। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ऑप्शन बी ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर। ऑप्शन सी ए मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग। एंड ऑप्शन डी ए मेजर ऑफ बायो एबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब कोई भी ड्रग रिसेप्टर के साथ में कितनी टाइटली बाइंड हो रही है उसको मेजर करना क्या कहलाता है, एफिनिटी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट एंड हैज हाई एफिकेसी इज कॉल्ड। तो कोई एगोनिस्ट है जो कि मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है अपना इफेक्ट एंड हाई एफिकेसी, तो उसे क्या कहेंगे हम। ऑप्शन ए पार्शियल एगोनिस्ट, ऑप्शन बी एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड ऑप्शन डी फुल एगोनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुल एगोनिस्ट। तो इसी तरह की बहुत सारे हमने MCQ डिस्कस कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक वाइज भी, उन सभी को आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, वो आपके आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनके पेपर भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फिनोनिमा कैन अकर्स इन केस ऑफ यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग अगर हम यूज़ करते हैं तो कौन सा फिनोनिमा उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए टॉलरेंस, ऑप्शन बी टैकीफाइलेक्सिस, ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन एंड ऑप्शन डी सिनर्जिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनर्जिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए टेरोटोजेनिक एक्शन इज। टेरोटोजेनिक एक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता या क्या है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, ऑप्शन बी नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कोजिंग फीटल मेल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड सिस्टम एंड ऑप्शन डी टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनीज। तो टेरेटोजेनिक एक्शन का मतलब आप सभी को पता है ये फीटस से रिलेटेड है और फीटस के अंदर ये एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस कर देते हैं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कोजिंग फीटल मेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इरिवर्सिबल इंट्रैक्शन ऑफ एन एंटागोनिस्ट विथ ए रिसेप्टर इज ड्यू टू। तो कोई एंटागोनिस्ट है जो कि रिसेप्टर पर इवर्सिबल इंट्रैक्शन कर देता है किसकी वजह से। ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी कोवलेंट बॉन्ड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेक द सेकेंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं या फिर GPCR रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इसका सेकेंड मैसेंजर कौन सा है उस पर आपको टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CAMP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सबस्टैंड बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागोनिस्ट इज कॉल्ड। कोई सब्सटेंस है रिसेप्टर का जो कि बाइंड करता है उसको एक तो एगोनिस्ट टाइप में और दूसरी तरफ बाइंड करता है एंटागोनिस्ट टाइप में, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड ऑप्शन डी पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ। तो सिस्टमिक क्लियरेंस किसके साथ में रिलेटेड करता है वो आपके यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, ऑप्शन बी ओनली द एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट एंड ऑप्शन डी बायोअवेलेबिलिटी एंड हाफ लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड्स द फॉलोइंग्स। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो आपके यहाँ पे पूछा गया है।
ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, ऑप्शन बी बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू एंड ऑप्शन डी इज प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि जो फार्माकोडायनेमिक है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन अबाउट अनवांटेड इफेक्ट, ऑप्शन सी इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल बैरियर्स एंड ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फार्माकोडायनेमिक का मतलब हमने आपको बताया हुआ है, तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंट कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस किसका कॉन्सिक्वेंस कर सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए ड्रग डिपेंडेंस, ऑप्शन बी इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी डिप्रेस रिनल ड्रग एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी एक्टिवेशन ऑफ ए ड्रग आफ्टर हेपाटिक फर्स्ट पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टैटिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आइडियोसिंक्रेसी, ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी टॉलरेंस एंड ऑप्शन डी टेरोटोजेनिक एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये थे आज की वीडियो में क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो या फिर इसी तरीके से फार्मा एमसीक्यू या फार्मा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए पीके फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अगर आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशनल एनर्जी मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सौ।